नमस्कार, गुरुमंत्र शो के खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विघ्नेश माथुर। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुश हैं, दे सदा सुखी रखे। तो आज हम बात करेंगे अपने खास एपिसोड में होलिका दहन को लेकर। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की जाती है। होलिका दहन का समय तमाम परेशानियों को, तमाम बाधाओं को दूर करने वाला होता है। लोग इस दिन उपलों से लकड़ियां जलाकर और अन्य तरीकों से होलिका दहन करते हैं। कहते हैं कि होलिका दहन की जो राख होती है वो तमाम जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको हमेशा के लिए दूर कर देती है। तो चलिए जानते हैं होलिका दहन के बारे में कि कुछ उपाय करके कैसे आप आज के दिन अपने जीवन की तमाम जो परेशानियां हैं वो दूर कर सकते हैं। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को आप लाइक कीजिए, गुरुजी से सीधे सवाल कीजिए, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी लगातार फ्लैश हो रही है, आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको शो में कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुजी से सीधे बात करना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है और आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सीधे गुरुजी के संस्थान आ सकते हैं, आपको मुफ्त में आपके भविष्य के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं गुरुदेव से होलिका दहन को लेकर। गुरुदेव, मेरा पहला सवाल होलिका दहन से जुड़ा हुआ है, किसकी शुरुआत कब हुई थी, क्यों होलिका दहन मनाया जाता है और क्या होलिका दहन के समय पर हमें खास करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, और शायद इस सवाल के बारे में, इसके जवाब के बारे में ज्यादातर दुनिया नहीं जानती। जानती है पर वही आधा अधूरा सा। एक यही पर्व ऐसा है जो अगर ये भी कह दिया जाए ना कि ये दीपावली से भी पुराना है तो ये बात सत्य ही होगी, क्योंकि इस पर्व की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए तपस्या करनी प्रारंभ कर दी थी। और जब भोलेनाथ अपनी तपस्या में ही लीन थे और उन्होंने आंखें खोल के तक नहीं देखा तो मां पार्वती ने तब कामदेव से मदद मांगी। कामदेव बहुत डर रहे थे कि मैं कैसे भोलेनाथ की तपस्या को भंग करूं, तो लेकिन फिर भी वो पार्वती मैया पे दया करके और उनकी अवस्था को समझते हुए उन्होंने अपने बाण भोलेनाथ पे चलाए। अब जब वो चले तो वो जब भोलेनाथ की तपस्या भंग हुई, उनकी आंखें खुली, तो उन्होंने उससे कुपित होकर के कामदेव को जला दिया। लेकिन जब उन्होंने पार्वती मैया की अवस्था देखी और उनके मन के अंदर जो उनके लिए श्रद्धा प्यार था और वो जो भावनाएं थी उसको पाने का देखा तो वो पिघल गए और उन्होंने मां पार्वती को अपनाया भी। लेकिन उस वक्त में रति ने रोकर कहा कि तो प्रभु, मेरे लिए तो यही सब कुछ थे कामदेव, अब आपको तो अपना प्रीतम मिल गया, मेरे प्रीतम का क्या होगा? तो तब भोलेनाथ जी ने कृपा करी और करके उसको कामदेव को एक तरह का दोबारा जन्म दिया। तो सही मायने में ये खुशियों का पर्व, मियां बीवी के मिलन का पर्व, नया जीवन साथी ढूंढने का पर्व, समझे, और जो एक नया जोड़ा जिसके आपस में दिल मिलते हैं, समझे, उन दिलों की खुशियों के रूप में आज के पर्व को वहां से मनाना शुरू किया। ठीक है जी, वहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, फिर आगे चलता चला गया, जिसको कि आगे श्री कृष्ण जी ने भी बहुत ही एक अच्छा रूप दिया। उन्होंने ऐसा रूप दिया कि जिसके अंदर उन्होंने हमें संदेश दिया कि आज के दिन सब लोग खुशियां मनाओ, सब लोग रंग खेलो, और सब लोग रंग खेल के आज के दिन अपनी दुश्मनी को भी भुला करके गैरों को भी गले से लगा लो, समझे, और घर पे जो मेहमान आए उसी का स्वागत है, वो जानकार हो ना जानने वाला हो, उसको खाना पीना, उसके साथ खुशियां मनाना, उसके साथ रंग खेलना, ये सब कुछ फिर हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने भी सिखाया। ठीक है, और उसके बाद ये लगातार, अब देखो कितनी सदियों की सदियां ही एक तरह की बीत गई। एक यही पर्व ऐसा है
जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और यहां तक कि विदेशों तक में फैला हुआ है। और आप जितने भी पुराने मुसलमान कवि भी रहे हैं जी, अगर आप उनको देखो, उनकी आप कहानियां पढ़ के देखो, उनके लिखे हुए वक्तव्य पढ़ के देखो, उसके अंदर सबके अंदर आपको होलिका का जिक्र मिलेगा, समझे ना। और राजा अकबर भी होली खेलते थे, उनके पुत्र समझे वो भी होली खेलते थे, समझे। और जितनी हमारी ये दरगाहें हैं, जिनके भी हम पीरों की हम जाकर से माथा भी टेकते हैं, अगर इन पीरों की भी आप जीनी निकालोगे, उनके प्रवचन निकालोगे, तो वहां पर भी आपको होली के जिक्र मिलते हैं। तो यानी कि ये पर्व एक ऐसा पर्व है जो कि सदियों सदियों से चलता आया, कब से चलता आया है इसका तो डेट किसी के पास नहीं है, लेकिन इसको हर धर्म ने अपनाया है, हर मानसिकता के इंसान ने अपनाया है। और ये ऐसी खुशी का पर्व होता है, इसमें वो जो ढोल ताशे बजते हैं ना बेटा, उसके अंदर दिमाग काबू में नहीं रहता, अपने आप ही खुशी के मोड में चला जाता, आदमी कितना भी गमगीन क्यों ना हो। और आपके आसपास का माहौल जब आपको ललचाता है, बताता है, आपको खुशी मनाने के लिए मजबूर करता है, तो आप अपने सारे गमों को भूल के आप अपने आप होली के रंगों में अपने आप लबदेश हो जाते हो और खुशियां आपकी शुरू हो जाती है। एकदम सही कहा गुरुदेव, ये हम सब महसूस करते हैं होलिका दहन के अवसर पर कि जो तमाम नकारात्मक विचार होते हैं, ऊर्जा होती है, वो दूर हो जाती है, एक सकारात्मक भाव पैदा होता है। गुरुदेव, इसी से जुड़ा हुआ एक और मेरा सवाल है कि होलिका दहन के दिन ऐसे क्या उपाय करें, ऐसा हम क्या करें कि धन में हमारी वृद्धि हो और स्वास्थ्य हमारा हमेशा ठीक रहे। पहले तो मैं आपको, अब ये तो छोटी सी कथा ही थी जी, लेकिन अब इसका मैं साइंटिफिक रीजन भी आपको बता देता हूँ। जी बिल्कुल, ये जो फागुन चल रहा है अभी, इसके अंदर ये होली, अब यहाँ से आगे क्या होना है, यहाँ से आगे हमारा नया साल शुरू होने लगा है जी। नया साल वहीं से शुरू होता है जब एक मौसम जा रहा होता है, दूसरा आ रहा होता है। यहाँ से सर्दी जा रही है, गर्मी आने लगी है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ ये जो बदलता मौसम है, ये तरह तरह के भांत भांत के जीवों को भी उत्पन्न करता है। आप देखो इन दिनों के अंदर बहुत सारे कीटाणु जीवाणु भी पैदा होते हैं, जो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। बिल्कुल, तरह तरह के मच्छर भी पैदा होते हैं, तरह तरह के कीड़े फसलों वाले भी पैदा होते हैं। इन्हीं दिनों में फसलें पकने लगती हैं और लोगों के घरों के अंदर खुशियों के अंबार छाने लगते हैं। कारण ये है कि पहले समय ही ऐसा था कि जब किसी के इंसान की खेत पकता था, उसकी फसल जब पकती थी, उसके घर में तभी त्योहार होता था। अब इसके आगे जब फसलें पकनी है, तो तभी उसने जिम्मेवारियां निपटानी है, चाहे बेटे की शादी करनी है, चाहे बेटी की शादी करनी है, चाहे किसी के साथ खुशी मनानी है, कुछ भी करना हो, अपना मकान बनाना है, खेत के लिए कुछ नया खरीदना है, सब कुछ तो इन्हीं दिनों में होता था, समझे। और इसके बाद में इस मौसम के अंदर जो हम होलिका का जो प्रज्वलन करते हैं, जो जलाई जाती है, उसके पीछे की कहानी तो आप सब जानते ही है, प्रहलाद की कहानी, ठीक है। तो इस वक्त में जब हम ये होलिका जलाते हैं, तो उसके लिए पूरा गांव, पूरा मोहल्ला अलग अलग जगह से लकड़ियां इकट्ठी करके लाता है, क्योंकि जो जहां गया वहीं से लकड़ी लेके आएगा। वो अलग अलग लकड़ियों को लाकर के जब एक जगह पर इकट्ठा करके उसका होलिका दहन किया जाता है, तो वो इतनी तरह की लकड़ी उसके अंदर जुड़ी हुई होती है कि वो एक तरह का अपने आप में एक औषधि का रूप बन जाता है। और इस होलिका को जलाने के कारण, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में इसको जलाया जाता है होलिका दहन के लिए, तो जब ये जलते हैं, तो एक तो कीट पतंगे जितने भी तकलीफ देने वाले, आपको बीमारी देने वाले, उनका भी खात्मा होता है। गुलाल सिर्फ अंदर जाता है, चलो वो तो क्लियर करता है, लेकिन गुलाल की खुशबू और गुलाल का जो असर है, वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है और बुरे जो जीव जंतु है उनको समाप्त करने वाला है। तो अब ये दोनों चीजें मिलाकर के अगर देखें, और एक ही दिन में इतनी मात्रा में सारी दुनिया जब ये होलिका मनाती है, तो आप देखो कि कितनी बड़ी इम्यूनिटी और अच्छेपन को जन्म देती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही होगी साइंटिफिक वे में। फिर उसके बाद में तुमने पूछा कि किस तरह से खुशहाली है जी, सुख समृद्धि है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक। इन दिनों में तरह तरह के अनाज पक रहे होते हैं, जो अभी पूरे पके नहीं होते, उनके अंदर बहुत जबरदस्त पान होते हैं, और एक ऐसा हिस्सा उनके अंदर होता है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को, हमारी बुद्धि को तेज करने के लिए जो बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हर कोई होली वाले दिन खास तौर पे अपने अपने खेत से
कुछ ना कुछ वो अनाज जो पकने की तरफ जा रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा कच्चा है वो तोड़ के जरूर लाते हैं जी, और वो ला करके होलिका दहन के अंदर ही उसको पका भी लेते हैं। ठीक है, उसको जब पका के उसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, समझिए, उससे हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा तो बढ़ती ही बढ़ती है, एक अलग सोच भी पैदा होती है जो आम सोच से थोड़ी अलग होकर के इंसान को एक सही रास्ता दिखाने की तरफ चलती है। फिर इसके अंदर जितनी भी पूजा पाठ की जाती है, इसके अंदर जब होली जलाई जाती है तो उस वक्त में भी तरह तरह की चीजें इसको अर्पण की जाती है, समझे। अगर किसी के घर पे बहुत ज्यादा बीमारी है तो वो इंसान जितनी भी मीठी चीजें हैं वो सारी की सारी अगर अर्पण करे तो बीमारी खत्म होती है। जैसे खीर हो गया, हलवा हो गया, पतासे हो गए, वो सब अर्पण किए था। ठीक है, और इसी के अंदर अगर इंसान को किसी भी तरह की मानसिकता की प्रॉब्लम है, उसका गुस्सा है, घर के अंदर में खुश नहीं अगर वो रहता जी, तो तब भी मीठे को ही जलाना होलिका में, समझे, और वो भी सबसे सात बार उतार के, और साथ ही कई तरह का अनाज यानी कि अपने खेतों से अलग अलग तरह का जो भी अनाज आपके यहाँ पर मिलता है बेटा, उसको लेकर के उसका झाड़ू टाइप सा बना करके उसके सबसे सात बार गुआ करके अगर वो भी जला दिया जाता है तो उससे भी इंसान की एक तरह की बुरी बलाएं होलिका के साथ ही जाता है, और उससे इंसान का स्वभाव, उसकी सेहत वो बिल्कुल ठीक होती है। और मैं खास तौर पे आप सबको कहना चाहूंगा, जो लोग बीमार हैं उन लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए कि आज के दिन होलिका दहन के वक्त में कुछ ना कुछ मीठा अपने सर से सात बार उतार करके वो होलिका दहन में डालें, और साथ ही तरह तरह के वो जो छिट्टे आप कह सकते हो, मैं इसी शब्द को जानता हूँ, जो अनाज के जो छिट्टे हैं वो ला करके वो भी सर से सात बार उतार के अगर होलिका दहन में जलाते हो तो इससे बीमारी भी जलती है। तो अब इससे बढ़िया त्योहार हमारे लिए क्या हो सकता है जो हमारी बीमारी को भी ठीक कर रहा है और जो हमारे स्वभाव को भी ठीक कर रहा है। अब आ जाता है कि हमारे घर में समृद्धि कैसे आए, ठीक है, हम खुशहाल कैसे रहे। एक तो ये जोश का जो भाव है वही हमारे लिए पॉजिटिव थॉट है, क्या था, और पॉजिटिव थॉट ऑलवेज सही डिसीजन लेकर के सही काम करता है, पहली तो चीज यही होगी। दूसरा, आज के दिन खास तौर पे जब होलिका दहन संपूर्ण हो जाए, राख ठंडी होने लगे, उस वक्त में इसकी जो राख वो उठा करके आपके घर के चारों कोनों के अंदर थोड़ी थोड़ी आपने जरूर लगानी है, लोग तो दबा भी दिया करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये राख का घर के अंदर लगाना, और कुछ एक राख खास तौर पे अपने रसोई घर के अंदर जहां चूल्हा जलता है उसके पास आप दो चार दिन जरूर रखिए, ठीक है। इसके अंदर की जो गुणवत्ता है वो कहते हैं कि ये समृद्धि को देने वाली होती है, जिसके अंदर अनाज भी जला हुआ होता है, लकड़ियां भी जली हुई होती हैं, कुछ ना कुछ मीठा भी जला हुआ होता है, लोग तरह तरह के इसके अंदर अपने लोकल हालात के हिसाब से, उनकी जानकारी के हिसाब से कई इसमें करते हैं काम, तो बेटा वो सारी चीजें होती हैं, और इसके अंदर एक तरह की औषधि बन जाती है जो सही मायने में अच्छा नसीब देने वाली बन जाती है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सोच देने वाली बन जाती है, जिसके चलते हुए घर में समृद्धि भी आती है, खुशहाली भी आती है, और निरोगी काया भी मिलती है। तो आज के दिन जो होलिका दहन के बाद की जो राख है वो अपने घर में थोड़ी थोड़ी आप जरूर लेकर के जाएं, देखिए खुशहाली भरे दिन आएंगे। गुरु जी, हम अपने सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। इस समय हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं। संदीप शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड गुरु मंत्र में। आप अपना सवाल गुरु जी से करें, उससे पहले मैं चाहूंगी आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बताएं और फिर अपना सवाल करें। नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम संदीप शर्मा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर 1998 है, और प्लेस फरीदाबाद, एंड टाइम 11 बजे सुबह है। गुरु जी, मेरा सवाल यह है कि मैं हर काम के लिए बहुत ही ज्यादा सोचता हूँ, बहुत ज्यादा, तो ऐसा मैं क्या करूँ जो मैं इन कामों के लिए ज्यादा ना सोचूं? मेरा जन्म कुंडली के अंदर एक लॉ होता है कि अगर बृहस्पति बहुत अच्छे स्थानों पर हो और शनि आगे की तरफ में हो तो इंसान की जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली अपने आप आनी है, उसके दिन फिरने ही फिरने हैं। ये योग तो तुम्हारी कुंडली में है, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर इस तरह के हालात बैठे हैं जिसमें बृहस्पति चंद्र केतु का इकट्ठे होना, कहते हैं बकरी दूध तो देगी मींग में डाल के, यानी कि जिंदगी के अंदर कुछ भी स्मूथ नहीं। ऊपर से सूर्य राहु जो सूर्य ग्रहण बन जाता है ये किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं करने देता, पहले लिखाई पढ़ाई में प्रॉब्लम, बाद में कामकाज के अंदर प्रॉब्लम, और जब इन दोनों में ना हो तो अपने स्वास्थ्य और स्वभाव में प्रॉब्लम, और जब स्वभाव में भी दिक्कत हो
इरिटेशन लेवल बढ़ा हुआ हो और इंसान किसी चीज के ऊपर टिक कहां पाता है और काम पूरे हो कहां पाते हैं। पहले लिखाई पढ़ाई में प्रॉब्लम, बाद में कामकाज के अंदर प्रॉब्लम, और जब इन दोनों में ना हो तो अपने स्वास्थ्य और स्वभाव में प्रॉब्लम। और जब स्वभाव में भी दिक्कत हो, इरिटेशन लेवल बढ़ा हुआ हो और इंसान किसी चीज के ऊपर टिक कहां पाता है और काम पूरे हो कहां पाते हैं, जब तक बेटा इन दोनों योगों के तुम इलाज नहीं करते तब तक तुम्हारी जिंदगी लगभग अस्थिर सी है। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले इनके इलाज करने चाहिए। तुम्हारी कुंडली बहुत सक्षम है और बहुत अच्छे सुख दे सकती है और बहुत अच्छी कमाई भी देगी, और इन उपायों के बाद में आगे बढ़ती उम्र के साथ में यहां तक भी संभव हो सकता है कि तुम्हारे पास इतनी दौलत आए कि जिससे तुम बैठ करके आराम से किराए भी खा सको। तो वो उपाय क्या है? सबसे पहले 43 दिन लगातार 200 ग्राम काले तिल, 200 ग्राम सफेद तिल लेकर के बेटा गरीबों में डाल दे दो। दूसरा उपाय है 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले उसको या तो जलप्रवाह करो या जंगल बिखरा के आओ, और उसके बाद 43 दिन लगातार 1 किलो जौ दूध के साथ धोकर के उनको जलप्रवाह करो, और 1 किलो जौ को दूध के साथ धोकर लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे रखो। अब फाइनल उपाय, शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भरकर मुंह देख करके सीमेंट से बंद कर देना उसका ढक्कन, और शनिवार दोपहर को उसको 2-4 ईंटें बांध के खड़े पानी के अंदर छोड़ो, और 6 दिन लगातार 1 नारियल 6 साबुत बादाम जल प्रवाह करो। इन उपायों को करके देखो, ये जितनी प्रॉब्लम है ये सारी खत्म होगी। इसके बाद तुम्हारे सारे काम लगभग परमात्मा की दया से संपूर्ण होने लगेंगे और मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म होगी। जो असमंजस की स्थिति हर वक्त तुम्हें हर चीज के लिए बनी रहती है वो खत्म होकर के एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेकर के तुम जिंदगी में बहुत अच्छे आगे जाओ। खुश रहना। तो चलिए अपने सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं होलिका दहन के बारे में। गुरु जी, मेरा सवाल अगला ये है कि होलिका दहन पर हमें खाने में जो पकवान हमारे होते हैं उनमें क्या बनाना चाहिए और उनका क्या महत्व है? जो होलिका दहन का दिन है ये होता ही इसलिए है कि इस दिन बहुत ज्यादा कामकाज ना करना पड़े, लेकिन खाने पीने में वही चीजें हों जो कि हमारी इम्यूनिटी को और हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखती है। इसके लिए सबसे उत्तम क्या होता है, बहुत सारे लोग तो तरह तरह की चीजें बनाते हैं जी। कोई गन्ने के रस की खीर भी बनाता है, कोई आज के दिन ही खास तौर पे खास किस्म के साग बनाते हैं, ठीक है, वो भी बहुत उत्तम है जी। नहीं तो साबुत अनाज की दाल सब्जी किसी भी तरह की वो बनाना, ये आज के दिन का ये प्रचलन होता है। वैसे तो जनरली आज के दिन में मिठाई, गुजिया और पकौड़े यही सब कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन आज के दिन कुछ न कुछ साबुत अनाज भी जरूर बनना चाहिए जो कि एक घर में समृद्धि का प्रतीक होता है, ठीक है। और साबुत अनाज आज के दिन खाने से भी लगे इसके अंदर भी घर के अंदर एक तरह का शुभ भाग ही माना जाता है, ठीक है। इसलिए कुछ भी कोई भी दाल आप साबुत लेकर के उसका जो बनाए, ठीक है, ये चीज। बाकी तो आपको पता है खुशियों का पर्व है तो तरह तरह की मिठाइयों और तरह तरह की चीजें तो अपने घर में आनी होती है, लेकिन शगुन के तौर पे इसको अपनाना और कुछ न कुछ मीठा जरूर बनाना, क्योंकि आजकल का शहरी माहौल हो गया जिसके अंदर लोग नमकीन ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं रजे, जो ज्यादा नमक होता है, जो ज्यादा चटपटा होता है, ये हमेशा गुस्सा बढ़ाने का काम करता है, और जो मीठा खाना है वो हमेशा अच्छी सोच को जन्म देकर के अपने ऊपर काबू रखना भी सिखाता है। और इसीलिए हमारे शायद भारतवर्ष में ज्यादातर हमेशा मीठे को ही तवज्जो दी जाती है। कोई खुशी का माहौल हो उसके लिए मीठा, घर पे मेहमान आए तो तब भी उसके अंदर घी, शक्कर, दही, बूरा, ये सब कुछ दिया जाता है, समझिए। इसीलिए आज खुशी का वक्त है तो कोशिश ये करो कि आपको जो बनाना वो बनाओ जरूर, लेकिन कुछ ना कुछ मीठी गुजिया हो गई या मिठाई हो गई, जलेबी हो गई, जो आपका दिल करे बेटा मीठा जरूर अपनाना। इस चीज का खास ख्याल रखना, क्योंकि मीठा आपकी खुशियों को कई गुना बढ़ा करके आपके माहौल को भी खुशनुमा बना के रखे। गुरुदेव, होलिका दहन के लेकर सवालों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। इस बीच एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से ही दीपांशु, इनके जन्म की तिथि है 26 जून 1981, ठीक है। जन्म का समय है सुबह 6:40, ठीक है। जन्म का स्थान दिल्ली, ठीक है। और गुरुजी, इनका सवाल है धन की समस्या और कर्जे से मुक्ति कब इनको मिलेगी? दीपांशु बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर दो योग तो खराब है ही, लेकिन आज का दिन बहुत शुभ है,
जिसके अंदर तुम उपायों के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो आज हमने आपको बताया है रजे, या हम बता रहे हैं जी, आप ये प्रक्रिया जरूर करें आज के दिन, जो हमने आज के दिन खास तौर पे होलिका दहन के लिए और अपने कामकाज के लिए जो आज के दिन आपको सुझाया है। कुमारी कुंडली के अंदर शुक्र और राहु का मेल है, ये योग लग्न के अंदर का भी संबंध बनाए हुए ये स्वभाव को, सेहत को, पैसे को, तीनों हिस्सों को खराब करता है। फिर राहुदेव लग्न के अंदर और सूर्यदेव बारहवें स्थान पर, ये एक सूर्य ग्रहण भी बनता है। जो कहते हैं बड़े बड़े खर्चे तो लगा के रखता ही है, साथ ही अपने स्वभाव के लिए और पति पत्नी के निजी सुख सेटिस्फेक्शन के लिए भी कमजोरी देता है। फिर एक बात और है कि तुम दिल के तो अच्छे हो, लेकिन सीधी बुद्धि, जिसको अच्छा समझा अच्छा, जिसको बुरा समझा बुरा, समझे। ये भी चीज दुनियादारी के अंदर चलने के लिए पूरी ठीक नहीं होती, और ये चंद्रमा सोए हुए जो कभी भी काम की सेटिस्फेक्शन नहीं देते। तो इन तीनों हिस्सों के तुम्हें इलाज करने हैं। जब ये तीनों हिस्सों के इलाज होंगे उसके बाद देखना तुम्हारे घर में समृद्धि भी बोलेगी और हर तरह से स्वभाव अच्छा होगा और गृहस्थ के सुख भी अच्छे। सबसे पहले एक चांदी के लॉकेट के अंदर मूंगा लगवा के बेटा अपने गले के अंदर धारण करो। दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार दूध के अंदर सफेद मक्खन डाल के उसे मंदिर के अंदर दो। अगर जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहे और आपस में हालात पूरे अच्छे ना बन रहे हो तो 43 दिन लगातार तांबे का चकोर टुकड़ा जमीन के अंदर दबा दो, समझे, घास वाली जमीन के अंदर। फिर उसके बाद हर रविवार को गुड़ और गेहूं तांबे की थाली में रख के वो दान देना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है बेटा, और साथ ही इसके 43 दिन तांबे का पैसा जल प्रवाह करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और जितना चांदी चावल गंगा जल अपने घर में रखोगे, घर में उतनी ही समृद्धि बढ़ेगी, पैसे और जायदाद के सुख, वाहन के सुख, इन सब के अंदर तेरे को फायदा होगा। तो ये उपाय करके देखो, दाता जरूर सुख देगा। और यहाँ रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, फॉर लौटेंगे। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, हम बात कर रहे हैं होलिका दहन की। सही समय का इंतजार करते हैं पूजा में अक्सर, होलिका दहन की हम बात कर रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त क्या होगा इस बार और सही समय क्या रहेगा, क्योंकि हर पूजा में, चाहे वो हम दिवाली की बात करें, होली की बात करें या अन्य त्योहारों की बात करें, पूजा का एक अलग समय रहता है, विशेष महत्व होता है। जो लोग होते हैं कर्मकांडी, जिन्होंने कोई यज्ञ करना है, तप करना है, तपस्या करनी है, कोई कर्म कांड करना है, कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी मुहूर्त देते उनका करना, वो बिल्कुल जायज है, उनके लिए मुहूर्त होते हैं। एक आम इंसान जिसने की पूरा श्रद्धा भाव के साथ में अपने एक त्योहार की सिर्फ शुरुआत करनी है, समझे, और जिसने खुशियों का पल को एक तरह का मनाना है और अपने को साथ में उसने लेकर के खुशियां मनानी है और कुछ रूठे हुए को मनाना है, ठीक है। एक आम आदमी की सोच के हिसाब से चलते हैं। जो ज्ञानवान है उनको मैं क्या मुहूर्त बताऊंगा बेटा, वो तो स्वयं जानकार है। और जो एक आम इंसान है, जो हम तुम जैसा है, जिसने अपने घर की खुशियों के लिए त्योहार की शुरुआत करनी है, तो इसकी तो शुरुआत एक सिंपल तौर पर मुहूर्त इसका यही होता है कि जहां सूर्य अस्त होने लगे, समझे, और रात्रि से पहले का जो समय है वो एक तरह का होलिका दहन का ही समय है, समझे। आप सिर्फ इसी मुहूर्त को मानिए, बाकी के बेटा खाम खाई के इन चक्रों में पड़ के, क्योंकि आप लोगों ने वो तपस्या नहीं करनी, आपने वो यज्ञ तप नहीं करने, आपने वो कर्म कांड नहीं करने, तो फिर काहे का मुहूर्त। आपके लिए तो परमात्मा का दिया हुआ ये जो उपदेश कि आज होलिका दहन सांझ के वक्त में होगा, तो बेटा आप एक सांझ को ही अपना ये मुहूर्त समझो और इस वक्त में होलिका दहन की पूरी तैयारी करो, समझो, और अपनी पूरी श्रद्धा और खुशी के साथ करो, ढोल नगाड़े के साथ करो, इससे उत्तम आपके लिए और क्या चाहिए, यही मुहूर्त है आप सबके लिए। गुरुदेव, इसी से जुड़ा हुआ एक और मेरा सवाल है कि अक्सर बहुत समय ऐसे आते हैं, कई उपाय हम करते हैं कि कैसे हमें व्यापार में वृद्धि मिले, जीवन में हम कैसे आगे बढ़े, कैसे लाभ हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं होलिका दहन की, तो इस अवसर पर हम क्या उपाय करें जिनमें सभी में हम आगे बढ़ सकें। मेरा सवाल तो बड़ा अच्छा है, और वाकई में ये जो होलिका दहन है ये एक बड़ा खास किस्म का पर्व है जी। इस वक्त में कुदरत में तरह तरह की शक्तियों का, नई शक्तियों का वास आता है, समझे, और तरह तरह की शक्तियां धरती पर बहुत ही उम्दा और ज्यादा मात्रा के अंदर धरती पर विराजमान होती है। इस वक्त में इन शक्तियों की कृपा पाने के लिए इंसान तरह तरह के कार्य करते हैं, और हम इंसान हैं, हम गृहस्थ लोग हैं,
तो अपनी गृहस्थी को अच्छा रखने के लिए और अपनी गृहस्थी को पूरी तरह से प्रफुल्लित रखने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है, काम धंधे को बढ़ाने की जरूरत होती है जी। तो होली के ऊपर खास तौर पे जो भी आप काम करते हैं, जो भी चीज आप बनाते हैं, जो भी चीज आप बेचते हैं, वो कोई ना कोई थोड़ी ही बड़े मात्रा में लेकर के आप कम से कम 3 मंदिरों के अंदर अर्पण करें और 3 मंदिरों से जो प्रसाद मिले वो प्रसाद स्पेशली तौर पे लेकर के आप अपने कर्म स्थल के ऊपर जाएं और कर्म स्थल के ऊपर ले जाकर के आपने एक तरह की उनको फिर प्रसाद को भी एक तरह की धूप दे करके आपने उनको सजा के रखना है और परमात्मा को कहना है कि प्रभु हमें ऐसी शक्तियां प्रदान करो, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हमारा काम धंधा बहुत अच्छा चले, ठीक है। उसके बाद आप प्रणाम करके, आप होलिका दहन है तो जल्दी अपने घर पे जाएंगे तो घर पर जाकर के आप नौवां होलिका दहन करें। होलिका दहन करने के बाद में वो जो ठंडी हो जाएंगी तो वहां से थोड़ी सी राख लेकर के अपने घर के चारों कोनों के अंदर और प्लस अपने संस्थान के लिए थोड़ी सी लेकर के जाएं, जो कि वहां पर जाकर के आप बेशक होली के अगले दिन यानी कि जब रंग खेल हो जाएगा उसके भी अगले दिन जाकर के आप अपने संस्थान के अंदर वो थोड़ा सा तिलक के रूप में प्रयोग करना शुरू करें, अपने माथे पर नहीं, वहां संस्थान के ऊपर जो आपकी मेन मंदिर बना हुआ होगा वहां पर रखें, ठीक है, आप उसको रखो। लेकिन रंग के अगले दिन आप जो आप प्रसाद वहां पर रखे गए थे उसका आप प्रयोग करना शुरू करें, उसको खाएं और स्वयं खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, ठीक है जी। एक तो ये चीज करनी होती है। दूसरा इसके लिए एक और चीज कही जाती है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी सामान आप बनाते हैं या बेचते हैं, होली वाले दिन वही सामान आप किसी और दुकान से खरीद के लाएं, लेकिन उस दुकान से खरीद के लाएं जो आपसे भी बहुत ज्यादा चलती हुई हो, ठीक है जी। मान लो मैं कपड़े की दुकान कर रहा हूं, ठीक है, तो आप जो कपड़ा आप बेचते हो, जिस तरह का आप कपड़ा बेचते हो, वो आप उस दुकान से खरीद करके लाए जो कि आपसे बहुत ज्यादा अच्छी चलती हो, जो आपके सपने में हो कि मेरा काम भी ऐसा ही चले, वहां से एक आध कपड़ा खरीद के लाए और उसको भी आप अपने संस्थान में रख के जिस दिन होली का दहन करना है उस दिन एक पूजा करके उसको संभाल के रखें, वहां पर टेबल पर रखे जाए या एक स्थान बना के, और उसके बाद में जब रंग हो जाए उसके बाद आप जब आए वापस अपने संस्थान के अंदर तो उस जो सामान आप लेकर के आए थे, ये तो एग्जांपल दिया मैंने, कपड़ा कुछ भी हो सकता है, आपका लोहे का सामान हो सकता है, आपका कपड़ा हो सकता है, जूते हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसको आराम से पैक करके बहुत ज्यादा संभाल के एक स्थान के ऊपर रखें जिसको कि आप डेली निहार सके, ठीक है। ये एक ऐसी चीज बनाई गई है बेटा कि जिसके चलते हुए कहते हैं कि भाग्य खुलता है, समझे, और ये हम बचपन से अपने देखते आए हैं, हमारे गुरु भी लोगों को बताते रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमने वाकई में लोगों के भाग्य के अंदर फर्क देखा है और ऐसे लगता है कि होली के दिन खास तौर पे परमात्मा हम पे एक खास कृपा करता है। गुरुदेव इस बीच एक और फेसबुक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पंजाब से नवीन जी हमारे साथ मौजूद है। इनकी जन्म की तिथि है 18 नवंबर 1971, ठीक है। जन्म का समय है रात 9:40, ठीक है। और जन्म का स्थान है फगवाड़ा पंजाब। और गुरुदेव इनका सवाल है स्वास्थ्य में सुधार कब होगा? बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य की दृष्टि शनि पर, कहते जैसे ही ये दृष्टि पड़ती है मंगल बद हो जाता है, शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र खराब होने का मतलब पति पत्नी के सुखों में दिक्कत आना, और पति पत्नी के सुखों में दिक्कत कब आती है? जब या तो पति बीमार हो वो इस काबिल ना हो, या स्वयं आदमी बीमार हो रब उस काबिल ना हो। तो रजी ये दोनों चीजें मिलकर तुम्हारे मंगल को खराब करके और मौत के घर में बैठे हुए मंगल बेटा इसको पूरी तरह से खराब करके जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें ख्याल ये रखना है कि जिस जमीन के ऊपर तुम रहते हो इस जमीन के अंदर जली हुई मिट्टी तो नहीं दबी हुई? कई बार क्या होता है कि पुराने समय में बर्तन बनते थे या और कोई आग जलाने का धंधा होता था और वही मिट्टी नीचे मकान के अंदर दबी हुई है और उसके ऊपर मकान बना के खड़ा कर लिया। अगर ऐसा है तो इस घर के अंदर रहते हुए जब तक वो जली हुई मिट्टी अंदर पड़ी है तब तक तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा तुम्हें। दूसरी बात, यहां पर सोने की सुई के ऊपर तांबे के टांके के अंदर मूंगा लगवा करके एक क्लिप बनवाओ और वो अपनी पत्नी के बालों के अंदर लगाओ, एक तो ये। दूसरा, मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के लाल कपड़े से मुंह बंद करके उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ
और 43 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालो या पक्षियों को डाल दो और उसके बाद हर मंगलवार ये कार्य करते चले जाना 8 गुड़ की रोटी वाला, जो कि लगभग 43 हफ्ते तक तुम लगातार करते रहो। चांदी का एक चकोर टुकड़ा ठोस बिल्कुल बना करके उसे ओपनली जेब में रखना, ना पॉलीथिन में ना कपड़े में बांध के ओपनली जेब में रखो और हर साल 7 नारियल पूजा वाले लेकर के इनको जल पर वाक करो और एक तांबे का छेद वाला पैसा सफेद रंग के धागे में पिरो के अपने गले में धारण करो। अगर ये उपाय होंगे तो सब कुछ उत्तम होगा। लेकिन अभी एक और बात बतानी, अगर तुम इससे पहले मकान बना चुके 45 साल की उम्र से पहले, तो बेटा ये कहता है कि बाकी का जीवन ये चारपाई पे डाल के ही निकालेगा। इसलिए अगर मकान बना चुके और उसके बाद अगर बीमार हुए हो तो फिर एक उपाय अलग करना पड़ेगा, वो ये कि या तो शराब या फिर स्पिरिट, ठीक है, ये लेकर के सूर्य उदय के वक्त में सूर्य को दिखा करके कच्ची जमीन पे गिराओ। और इस शनि का ये भी कहना है बेटा कि अगर तुम शादीशुदा हो और इस वक्त में बीमार हो और मकान बनाने के बाद बीमार हुए हो तो जीवन साथी के साथ 1 साल तक तुम संबंध नहीं बना सकते और ये स्पिरिट वाला या शराब वाला उपाय करते ही शुरू हो जाएगा और उसके बाद 1 साल तक। अगर बेटा तुमने ये बात पूरी अपना ली तो तुम्हें स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से लाभ होगा और हर तरह की दुख तकलीफ दुविधा सब खत्म होगी और जिंदगी में स्वस्थ जियोगे, खुश रहो। जी, मेरा एक और सवाल है होलिका दहन से जुड़ा हुआ कि कुछ लोग शहरों में रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं, तो दोनों में बड़ा अंतर हम देखते हैं, तो क्या उतना ही महत्व रहता है जो शहरों में होलिका दहन करते हैं और जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनमें जो अंतर हम देख पाते हैं, तो क्या जो महत्व है या फिर जिस तरीके से उसका प्रभाव पड़ना चाहिए वो बराबर रहता है क्या? पिछले कुछ समय में जी जो शहरों में लोग रहते थे उनकी डेफिनेशन कुछ अलग हो गई थी और गांव वालों की अलग हो गई थी, लेकिन ये जो पीछे थोड़ा सा समय गया है जी उसके अंदर शहरी और गांव लगभग एक जैसे ही हो गए थे। लेकिन मैं तुम्हें एक सिंपल वे में बताता हूँ, आजकल क्या है, आजकल सोसाइटियों का चलन है कि बहुत सारे फ्लैट इकट्ठे बनते हैं और सोसाइटी के लोग इकट्ठे होकर के ये होलिका दहन करते हैं। बेटा सबसे उत्तम है ये गांव वाला ही तो सिस्टम है, पहले गांव सारा इकट्ठा होता था, अब तो गांव की जगह जितने गांव में लोग बसा करते थे उससे ज्यादा सोसाइटियों में। जी बिल्कुल, तो ये सबसे उत्तम यही चीज है। होलिका दहन पे सबसे बड़ी बात क्या है, मतलब अंतर नहीं है? हाँ नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है हमारा ऑरा मंडल है जी, ऑरा मंडल में 7 कलर है, 7 रंग है और ये रंगों का त्योहार है और जब एक दूसरे को रंग लगाने के सारे हम अलग अलग रंगों का जब प्रयोग करते हैं तो एक तरह का हमारा जो ऑरा मंडल है वो भी क्लीन होता है, समझे? और गुलाल जो हम गुलाल इस्तेमाल करते हैं, हर्बल इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर सच में इतनी ताकत है कि ये हमारे ऑरा मंडल को क्लीन करके हमारी मानसिकता को भी बदलने का काम करता है। यही रीजन है कि होली वाले दिन जब लड़ाई होती है तो बहुत होती है जी, और होली वाले दिन जब किसी का प्यार उमड़ता है तो बहुत ही उमड़ता है कि अपने दुश्मनों को भी माफ कर देता है। बिल्कुल, ये दोनों ही हालात होते हैं। अब ये लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए क्या करना है, इसके अंदर अगर पापी ग्रहों की वस्तुओं का प्रयोग होगा, यानी कि शराब का, मांस का, ज्यादा नमक का, इन सब चीजों का अगर प्रयोग करोगे तो बेटा इसमें चोट पड़नी ही पड़नी है। लेकिन एक और बात है, होली वाले दिन खास तौर पे भोलेनाथ का प्रसाद घोटा जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि वो जो भोलेनाथ का प्रसाद है वो हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, समझिए, अगर आप थोड़ा बहुत लेते हो तो उसे प्रसाद के रूप में भी अगर थोड़ा सा आप लेकर के चलते हो और बाकी नशों से दूर रहते हो, समझिए, तो होली का त्योहार बहुत ही उत्तम जाने वाला है, चाहे वो गांव के लोग हो, चाहे शहरों के लोग हो, चाहे सोसाइटी के। और होली का त्योहार सिर्फ अपने अपने घर के लिए नहीं होता, अपने अड़ोस पड़ोस जानकार इन सबके लिए होता है। लेकिन जहां आप हो एक ही जगह पर इकट्ठे रहो, इसके अंदर जहां भी आपने नशे का प्रयोग किया, गलत चीज का प्रयोग किया, ये आपकी मानसिकता को इतना उत्तेजित कर देगा कि आप सही और गलत का फैसला नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं आपके पास एक गलती हो जाएगी। तो इसीलिए बेटा मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज के दिन खास तौर पे जो नई उम्र के बच्चे हैं या जिनकी आते गलत हो चुकी है वो इस चीज का प्रयोग करते हैं, वो इस चीज से दूर रहे, वो ना करे एक अच्छे खासे त्योहार को जो खुशियों के लिए है, जो आपकी अपनी, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों की खुशियों के लिए है, इसको खराब ना करे, बल्कि उल्टा आप मीठा खाए, मीठा बोले, मीठा बांटे
और सारा मीठे मीठे त्योहार का आनंद ले, इस बुरे व्यसनों में रखा तो रखा क्या है। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है गुरु मंत्र का। गुरुदेव से जानते हैं कि होलिका दहन का गुरु मंत्र क्या है। गुरु जी, ये जो वक्त चल रहा है, मैंने जैसे कि आप सबको बताया है कि इसके अंदर नई नई शक्तियां धरती पर आती हैं, जो खुशियां बांटने का काम करती है, स्वास्थ्य देने का काम करती है, बुद्धि देने का काम करती है, धन मान देने का काम करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन सबके कारक अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लगाए तो कौन है, वो है शनिदेव। शनि जिसके शुभ होते हैं उसको जिंदगी के अंदर ये सारी खुशियां बैठे बिठाई मिलती है, और शनि जिसके अशुभ होते हैं दुनियादारी के प्रपंच में वही तो फंसा रहता है, वही सुख और दुख की अनुभूति करता हुआ दुखों को ज्यादा भोगता है, और स्वास्थ्य लाभ में भी उसको दिक्कत होती है। कहने का मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। यहां से ये जो होली का दिन है, यहां से आप एक तरह की ये आज की जो शुरुआत करें, होलिका दहन के दिन से आप सुबह के वक्त में तारों की छांव में अगर हर रोज सुबह के वक्त में थोड़ा सा जल जाके कीकर के पेड़ को चढ़ा के आते हैं और 43 दिन लगातार अगर आप करते हैं, पर ये हमेशा तारों की छांव में करना है कि सुबह उठना है 3:30 बजे और 4:30 बजे से पहले पहले आपने ये कीकर के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाना है। अगर आपने ये उपाय किया और 43 दिन लगातार निभा दिया तो इसके अंदर जितनों को भी स्वास्थ्य से संबंधित आए दिन दिखते आती है बेटा, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। जिनको स्वभाव से संबंधित दिखते हैं उनके स्वभाव ठीक होंगे। जो कामकाज के ऊपर टिक नहीं पाते, जिनके काम के ऊपर मन नहीं लगते बेटा, उनका कामकाज की तरफ भी अपने आप रुझान बनेगा और उनका कामकाज अच्छा चलेगा। और जो इस अच्छी कामना को लेकर के चल रहा है कि उसके घर में पूरी ठीक होंगे। जो कामकाज के ऊपर टिक नहीं पाते, जिनके काम के ऊपर मन नहीं लगते बेटा, उनका कामकाज की तरफ भी अपने आप रुझान बनेगा और उनका कामकाज अच्छा चलेगा। और जो इस अच्छी कामना को लेकर के चल रहा है कि उसके घर में पूरी तरह से समृद्धि आए और घर के अंदर पैसा आए, और जिन लोगों को कभी मकान नहीं मिला, समझे, मकान नहीं बना पाए, जो लोग कभी वाहन नहीं खरीद पाए, समझे, उन सबके लिए यह उपाय अमृतमय होगा। तो आज खास पर्व के दिन एक खास प्रकार का आपको उपाय तो देना ही था बेटा, तो इस उपाय को अपनाएं। सुबह 3:30 बजे उठें और 4:30 बजे से पहले पहले अगर आप कीकर के पेड़ को 43 दिन लगातार जल चढ़ाते हैं तो परमात्मा इतनी कृपा करेगा कि इस वक्त में धरती पर विचर रही जो तरह तरह की अनुपम शक्तियां हैं वो सब आपके साथ होकर के आपको खुशहाल जरूर बनाएं। गुरुजी, होलिका दहन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और उनका मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सुख दे, खुशियां बख्शे दाते। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि होलिका दहन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए मिल गई होगी, और उम्मीद ये भी करते हैं कि गुरुदेव ने जो उपाय आपको बताए हैं वो उपाय आप अपनाएंगे ताकि आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।